नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। जीता राम मांझी का ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य में सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। ब्राह्मण समुदाय के लोग जो हैं वो जीता राम मांझी का हर जगह पुतला दहन कर रहे हैं और लोगों में काफी आक्रोश है। आपको बताते चले कि राज्य में हर जगह धरना प्रदर्शन और पुतला फूकने की घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है वो मांझी के पटना स्थित आवास पर प्रदर्शन और पूजा पाठ करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बिहार में पुलिस ने मांझी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। उनके आवास के बाहर अब बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। आगे का इलाका जो है वो छावनी में तब्दील हो कर दिया गया है। किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पटना में विभिन्न संगठनों द्वारा मांझी के विरोध और उनके आवास के घेराव किया जा रहा है। इस कड़ी में श्री राम सेना और हिंदू पुत्र के कार्यकर्ता हाथों में चूड़ा दही लेकर मांझी आवास के लिए निकले हैं। हालांकि इन लोगों को मांझी के आवास पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया है। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सभी बीच सड़क पर बैठ गए हैं और वही सत्यनारायण भगवान की पूजा शुरू कर दी है। सभी ने ब्राह्मण को बुलाकर सड़क पर ही सत्यनारायण भगवान की पूजा की है और सत्यनारायण पूजा के जरिए मांझी को शुद्ध करने की बात भी कही है। विरोध में शामिल श्री राम सेना के सदस्य ने कहा है कि चूड़ा दही खिलाकर मांझी की जुबान को शुद्ध किया जाएगा। मांझी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके जुबान को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी हो गया है। बता दें कि कुछ ब्राह्मण संगठनों ने बुधवार को मांझी के आवास पर शुद्धिकरण और पूजा पाठ करने की घोषणा कर दी थी। इसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। उनके आवास के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। प्रदर्शनकारियों के आने की स्थिति में उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की तैयारी भी पुलिस ने रखी है। मांझी के आवास की सुरक्षा गुरुवार को भी कड़ी रख दी गई थी। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी ने इसी सप्ताह ब्राह्मण समाज और हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। बाद में उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन उनकी टिप्पणी के खिलाफ राज्य के ब्राह्मण समुदाय का गुस्सा भी थमता नजर नहीं आ रहा है। इधर एक बार फिर जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि मैंने कहा था कि जो ब्राह्मण पंडित पुजारी मांस मदिरा का सेवन एवं कुकर्म करता है वो लोग मुसहर समाज को मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख इस मामले में बनाते हैं कि श्राद्ध हो या पूजा सभी में हनुमान चालीसा पढ़कर चले आते हैं। हमने वैसे लोगों को अपशब्द कहा है और बार बार कहेंगे। वही मांझी का साफ कहना है कि वैसे मूर्ख बनाने वाले पंडितों से पूजा कराने से क्या फायदा है। लेकिन ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है वो मांझी के घर के आवास के बाहर सत्यनारायण का पूजा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगहों पे मांझी का पुतला दहन भी कर रहे हैं। लेकर भी कहा है क्या जाति को लेकर कहा है? हम लोग उनको कहा है, पलटी मार रहे हैं। मतलब वो पलटी मार रहे हैं जातिगत को लेकर। अगर उनको कहा है तो भी गलत है। दलित का अपमान कैसे कोई करेगा? कैसे कोई दलित का कोई अपमान करेगा? दलित की आप लड़ाई लड़ते हैं, दलित को अपना आप समाज का सुधारक बताते हैं, तो आप दलित के बारे में कैसे कमेंट कीजिएगा? इसमें भी गलत है। मांझी जी पूरी तरह से फंस चुके हैं, उनको कोई राय विचार नहीं दिख रहा है, यहाँ से भाग चुके हैं। उनको डर था, कल सिक्योरिटी बढ़ा दी। हम यहाँ पर आवास पर खाना खाने आए थे, जैसा कि उनको भ्रम था कि ब्राह्मण हमारे यहाँ खाते नहीं है, उन नगद मांगते हैं, तो हम ब्राह्मण को भी लेके आए थे, उनके समाज के भी लोगों को लेके आए थे। चूड़ा नहीं खाते, कुछ भी खिलाते, जो खाते खाते। मांझी जी है, क्या लगता है एनडीओ को नुकसान होगा इस तरीके से बयान से? अगर इस तरह से चीजों करते रहेंगे तो एनडीओ को नुकसान ही नुकसान होगा। पर क्या लगता है कि जिस तरह से यश जी जीतन राम मांझी का कहना है कि मेरी जो लड़ाई है वो ब्राह्मण समाज के लोगों से नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद बना है तो ब्राह्मण समाज से भी हुआ। तो आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज में मांझी का जो बयान था, ब्राह्मणों को लेकर अपमानजनक बयान था, वो अभी कहीं ना कहीं थमा नहीं है। ब्राह्मणों में अभी भी आक्रोश है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।